सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, 2018 में जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट थी उसका वेट कर रहे थे जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे 2018 के लिए। तो देखिए, आपकी सूचना के लिए बता दूं, इंडियन एयरफोर्स 2018 के लिए ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए जो भर्ती है उसका आयोजन है, उसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। देखिए, अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स में 2018 की जो रिक्रूटमेंट होगी, जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए जिस भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा 2018 में, उसकी एग्जामिनेशन डेट क्या क्या होगी, आप उसकी जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो इसमें क्या होगी, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो इसमें क्या होगी, आपकी जो ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं उसकी डेट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप 10th पास हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास 12th पास होनी चाहिए, 12th पास में आपके पास कितने परसेंटेज होने चाहिए, इंग्लिश में आपके पास अलग से कितने परसेंटेज होने चाहिए, और देखिए जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं डिप्लोमाधारी जो कैंडिडेट हैं क्या वो भी ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई का इंडियन एयरफोर्स में अप्लीकेशन फॉर्म है क्या वो भरने के एलिजिबल है। तो देखिए, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाद में अपन बात करेंगे जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे कि आपका फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या इसमें करवाया जाएगा, कितने दौड़ होगी, कितना आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें क्या क्या होगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके से इसमें निर्धारित किया गया है, ग्रुप एक्स के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें क्या क्या आएगा, ग्रुप वाई है उसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या क्या होगा, और जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके से निर्धारित किया गया है, आपका जो एग्जाम में टाइम दिया जाएगा वो आपको कितना दिया जाएगा, ग्रुप एक्स के लिए अलग से कितना, ग्रुप एक्स वाई के लिए अलग से कितना टाइम दिया जाएगा, और दोनों के लिए अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा, और आपको सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उस सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इस भर्ती से रिलेटेड हर एक सूचना अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए, जो भी हमारे नए मेहमान हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। ओके, तो देखिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स हैज रिलीज्ड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरमैन। एयरमैन की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द अनमेरिड मेल कैंडिडेट नेपाल से और इंडिया से। नेपाल से और इंडिया से जो भी कैंडिडेट अनमेरिड है और जो मेल कैंडिडेट हैं उन वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, एयरमैन की पोस्ट के लिए आप वैकेंसी निकाली गई, ना किसी ऑफिसर रैंक के लिए वैकेंसी है और ना पायलट बन सकते हो इस वैकेंसी के थ्रू, आप केवल एयरमैन बन सकते हो। एयरमैन की पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो ग्राउंड बेस आपकी जो होगी इसमें आपको ग्राउंड पे जमीन पे रहकर ही आपको कार्य करना पड़ेगा। देखिए, ग्रुप एक्स में और ग्रुप वाई है उसके लिए ये फॉर्म निकाले गए हैं। ग्रुप एक्स में ये जो ट्रेड लिखी हुई है इसके अलावा, देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो ट्रेड है इसके अलावा, ग्रुप एक्स में जो एयरमैन की पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, और ग्रुप वाई में आप देख सकते हैं जो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन है, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और इंडियन एयरफोर्स जो पुलिस है, इंडियन एयरफोर्स जो सिक्योरिटी है, इस और जो म्यूजिशियन जो ट्रेड है इसके अलावा जो ट्रेड है ग्रुप वाई में, यानी जो एयरमैन की जो ट्रेड है उसके लिए इस वैकेंसी का आयोजन करवाया जा रहा है 2018 में। देखिए, आपका जो सिलेक्शन करवाया जाएगा वो किस आधार पे करवाया जाएगा, देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट आयोजन करवाया जाएगा इसमें 2018 में, जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। बाद में देखिए, इसमें PFT यानी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसका आयोजन करवाया जाएगा, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो फॉर्म भरने इसमें इच्छुक हैं, वो किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में अपन कंप्लीट बात करते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट 2018 नोटिफिकेशन, जो एयरमैन की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकली है वो उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो एग्जामिनेशन डेट है, फॉर्म भरने की डेट है, स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो किस तरीके से है। तो देखिए, आपकी जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 3 जुलाई 2018 से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 3 जुलाई 2018 से आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई 2018 रखी गई है। 3 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2018 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और देखिए इसमें साथ में आपकी एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2018 तक आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया जाएगा। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में जो एयरमैन के लिए जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके 3 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो, और 13 से लेकर 16 सितंबर 2018 तक इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया जाएगा। ये ध्यान में रखना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया जाएगा, इसमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगी। देखिए, पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती थी, OMR शीट का आयोजन करवाया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम डेट इसमें डिक्लेयर की गई है।
देखिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए वो किस तरीके से होगी। तो ये देखिए अगर अपन एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 21 साल की होनी चाहिए, यानी 21 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम ही आपकी एज होनी चाहिए। देखिए जो एज है वो किस तरीके से होनी चाहिए, 14 जुलाई 1998 से लेकर 26 जून 2002 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, 14 जुलाई 1998 से लेकर 26 जून 2002 तक आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप 14 जुलाई को भी पैदा हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप 26 जून 2002 को भी पैदा हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आगे इसमें लिखा गया है कि द कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस, है कि आपकी जो एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपका जो इनरोलमेंट के टाइम पर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा, आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो डेट आपकी 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 21 ईयर से ज़्यादा हो गए इसका मतलब आप ओवर एज हो गए हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये एज है वो इस तरीके से इसमें निर्धारित की गई है, 14 जुलाई 1998 से लेकर 26 जून 2002 तक इसमें एज आपकी होनी चाहिए। बाद में देखिए अगर आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप अक्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो किस तरीके से होनी चाहिए, तो देखिए ये जो ट्रेड है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड है, इस ट्रेड को छोड़कर ग्रुप अक्स में जो एयरमैन की पोस्ट निकली है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है, देखिए आपके पास कम से कम मस्ट हैव, यानी आपके पास जरूरी है, आप पास होने चाहिए इंटरमीडिएट या ट्वेल्थ, आप ट्वेल्थ क्लास आपके पास पास होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ट्वेल्थ में आपके पास ग्रुप अक्स के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास ट्वेल्थ में होना चाहिए। और देखिए आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपको होने चाहिए, मिनिमम 50% के साथ में आप ट्वेल्थ पास किए होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% होने चाहिए। देखिए इंग्लिश का जो पेपर होता है ट्वेल्थ में उसमें भी आपके पास अलग से 50% नंबर होने चाहिए, और जो एग्रीगेट परसेंटेज है ट्वेल्थ में वो भी आपके पास 50% होने चाहिए। इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रुप अक्स के लिए वो निर्धारित की गई है। देखिए ग्रुप अक्स के लिए आपके पास या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए आगे इसमें लिखा गया है कि वन हु मस्ट हैव पास्ट, इनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग में आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हो 3 ईयर डिप्लोमा, कहने का मतलब यह है कि अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हो 3 ईयर डिप्लोमा जो है, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हो तो आप CASB जो इसका वेब पोर्टल है www.airmanselection.cdac.in पे जाके आप ये इसकी डिटेल है वो चेक कर सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भर सकते हो। लेकिन इसमें भी देखिए आपके पास निर्धारित जो कंडीशन है वो इस तरीके से रखी गई है कि आपका जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट के द्वारा आपका अप्रूव होना चाहिए, और आपके पास पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है उसमें 50% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए, आपके पास पॉलिटेक्निक में 50% आपके पास कम से कम उसमें होने चाहिए, और 50% उसमें भी आपके पास इंग्लिश में अलग से होने चाहिए। देखिए अगर आप ट्वेल्थ में भी आपके पास 50% और इंग्लिश में आपके पास 50% अलग से होनी चाहिए, उसी प्रकार से अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी हैं तो भी आपके पास 50% डिप्लोमा में होना चाहिए, और उसमें भी अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपके पास 50% अलग से होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कुछ डिप्लोमा ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है, तो उन कैंडिडेट के लिए 10th क्लास में 50% होना जरूरी है। देखिए कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप अक्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए जरूरी है। अब देखिए अपन बात करते हैं ग्रुप वाई के लिए। देखिए ग्रुप वाई में जो ऑटोमोबाइल और टेक्नीशियन GTI और जो म्यूजिशियन इस ये ट्रेड है, इन ट्रेड को छोड़कर ग्रुप वाई में जो एयरमैन की पोस्ट निकली है उसके लिए अगर आप क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो आपके पास वही 10th 12th पास होनी चाहिए, कम से कम आपके पास मस्ट हैव पास्ट, आप 12th पास आपके पास होनी चाहिए। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइंस मैथ होनी चाहिए या बायोलॉजी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो भी ग्रुप वाई के लिए इंडियन एयरफोर्स में ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं ग्रुप वाई के लिए, और सब्जेक्ट अप्रूव बाई सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड, मिनिमम 50% मार्क्स, देखिए वो कंडीशन रखी गई है। अगर आप ऑनलाइन अप्लीकेशन ग्रुप वाई के लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, भले ही आप आर्ट से बिलोंग करते हो या कॉमर्स से बिलोंग करते हो या साइंस से, 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। वही जो ग्रुप अक्स के लिए जो कंडीशन रखी गई है वही सेम कंडीशन इसमें है, बस इसमें आपको इतनी छूट दी गई है कि अगर आप आर्ट्स से या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो भी आप वाई ग्रुप का फॉर्म है वो भर सकते हैं। देखिए अगर आप आगे बात करते हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ओनली, देखिए ये मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेड है उसके लिए है,
आगे देखिए अपन बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से है। देखिए द सिलेक्शन प्रोसीजर्स ऑफ एयरमैन रिक्रूटमेंट 2018 में जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई है वो किस तरीके से डिवाइड की गई है, वो थ्री स्टेज में डिवाइड की गई है। देखिए थ्री स्टेज में डिवाइड की गई है। फाइनल जो सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का होगा बेसिस ऑफ द टेस्ट, उसमें टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी डन एक्सक्लूसिवली ऑफ मेरिट। देखिए आपका टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा, तीन टेस्ट का आपका आयोजन करवाया जाएगा। पहले ऑनलाइन टेस्ट का होगा, फिर बाद में आपका PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये तीन टेस्ट होने के बाद में आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा और वो आपकी मेरिट बनेगी। उस अगर मेरिट में ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। देखिए वो थ्री स्टेज कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आयोजन करवाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन, इन तीन टेस्ट का आयोजन आपसे करवाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आगे अपन बात करते हैं आपका जो PFT होगा, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वो आपके लिए किस तरीके से होगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा यानी कि जो PFT होगा वो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए सेम होगा। और देखिए वो किस तरीके से होगा अगर अपन उसकी बात करें, उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट है उसका आयोजन करवाया जाएगा, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर करने के बाद में जो कैंडिडेट हैं जो मेरिट के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जो उनकी जो लिस्ट है वो इसकी CASB जो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है इसकी वेब पोर्टल है www.airmanselection.cdac.in, इसका जो ये ऑफिशियल वेब पोर्टल, इसके ऊपर ये जो आपका जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उनको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी लिस्ट डाली जाएगी, उनके लिए बुलाया जाएगा डिजाइन करके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT के लिए उनको बुलाया जाएगा, यानी कि आपके ऑनलाइन टेस्ट में आपका आयोजन करवाया जाएगा, उसकी मेरिट बनेगी और वो मेरिट है वो इस वेबसाइट के ऊपर जारी की जाएगी जिन भी कैंडिडेट को PFT के लिए बुलाया जाएगा। और PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या किया जाएगा उसकी अगर अपन बात करें तो आपके पास 1 किलोमीटर और 600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर के आपके पास दौड़ करनी है आपको, और 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 6 मिनट और 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ है वो कंप्लीट करनी है। 10 आपको इसमें पुशअप निकालनी है, 10 आपको इसमें सिटअप निकालनी है, 10 पुशअप 10 सिटअप और 1.6 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी है और 6.5 मिनट में। और देखिए 10 स्क्वेयर्स निकालनी है आपको, वो इसमें जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसके आधार पर 10 आपको इसमें स्क्वेयर निकालनी है। देखिए आगे अपन बात करें कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओवन स्पोर्ट्स। देखिए आपको फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है यानी आपको दौड़ने के लिए आपको जो स्पोर्ट्स शूज हैं वो आपको अपनी तरफ से लेके जानी है और जो पेंट्स है वगैरह वो आपको अपनी तरफ से लेके जानी है, तो एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद में आपके दो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड इसका आयोजन करवाया जाता है, और इसका आयोजन करवाने के बाद में देखिए आपका जो फेज थर्ड होगा वो फेज थर्ड आपका किस तरीके से होगा उसकी अपन बात करें तो देखिए आपका फेज थर्ड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, दोनों एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आयोजन करवाने के बाद में आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर की तरफ से दिया जाएगा। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, मेडिकल एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवाई जाएगी, उसका आयोजन करवाया जाएगा एयरफोर्स मेडिकल टीम के द्वारा, आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका आयोजन करवाया जाएगा और वो आपका मेडिकल इंडियन एयरफोर्स मेडिकल स्टैंडर्ड का आपका उसमें मेडिकल करवाया जाएगा। देखिए आपका जो मेडिकल करवाया जाएगा उसमें आपसे क्या क्या आपका चेकअप किया जाएगा अगर वो अपन उसकी बात करें तो देखिए आपका ब्लड जो हार्मोन है वो आपका चेक किया जाएगा यानी रक्त हार्मोन चेक किया जाएगा, जिसमें आपका HB है, TLC है, DLC है चेक किया जाएगा, एक्सरे चेस्ट यानी जो छाती का जो एक्सरे है वो PA व्यू के अंदर आपका लिया जाएगा, उसमें बायोकेमिस्ट्री यानी जो जीव रसायन है उसका टेस्ट किया जाएगा, मूत्र RI यूरिन RE यानी मूत्र RI और ME इसका टेस्ट किया जाएगा, रक्त जो शर्करा है उपवास है PP है उसका आयोजन आपसे करवाया जाएगा, बाद में सीरम कोलेस्ट्रॉल यानी जो सीरम है उसका टेस्ट किया जाएगा, आगे इसमें यूरिया लिख रखा है, यूरिक एसिड है और क्रिएटिनिन है, आगे देखिए LFT सीरम ग्लूरुबिन है, SGOT SGPT और ECGR इस वगैरह से दे रखा है। इसमें देखिए इतना ज़्यादा इसमें मेडिकल में इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इसमें लिख रखा है, आपको नॉर्मल इसमें मेडिकल होता है, जिनके अगर कोई ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसमें मेडिकल है इसका, आराम से इसमें ये पास हो सकते हैं। देखिए आगे अपन बात करते हैं इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की पोस्ट के लिए अगर अपन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो देखिए फेज फर्स्ट में आपका ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई है दोनों ट्रेड के लिए जो एयरमैन की पोस्ट है उसके लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। देखिए ऑनलाइन टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप वेयर क्वेश्चन विल बी बिलिंगुअल। देखिए आपका जो ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इंग्लिश का पेपर है उसमें तो आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के जो मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे जो GK से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश और हिंदी इसको
इसको आपको दोनों में पूछे जाएंगे। बाद में देखिए इसमें लिखा गया है कि बोथ द ग्रुप एक्स और वाई कैंडिडेट ऑप्टिंग द सेल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। देखिए आपका एक्स और वाई ग्रुप है, इन दोनों का आयोजन आपका सेम डे पे करवाया जाएगा। फेज फर्स्ट है कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग वन ब्लू और ब्लैक पेन, आपको इसके लेकर जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ है यह आपको लेके जानी है, ये तो आपको सभी एग्जाम में लेके जानी होती है, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए इसमें अगर अपन बात करें ग्रुप एक्स जो ट्रेड है उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपको कितना टाइम दिया जाएगा, आपको 60 मिनट इसमें दी जाएगी। ग्रुप एक्स के लिए आपको 60 मिनट इसमें दी जाएगी। बाद में देखिए इसमें लिखा गया है कि कंप्राइज इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसमें ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आप ग्रुप एक्स में, और आपको 12th CBSE जो सिलेबस है उसका आपका स्टैंडर्ड दिया जाएगा। ग्रुप एक्स में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो 12th जो CBSE बोर्ड है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन का आपको स्टैंडर्ड दिया जाएगा जो ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा उसमें, और आपको 60 मिनट उसमें दिए जाएंगे जिसमें आपको इंग्लिश से फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाद में देखिए अगर अपन बात करें ग्रुप वाई से रिलेटेड, तो ग्रुप वाई में जो एयरमैन की पोस्ट निकली है उसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी पौन घंटे का 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और उसमें आपको 12th की जो CBSE जो सिलेबस है उसी का आपको सिलेबस उसमें उसी के स्टैंडर्ड का आपको सिलेबस दिया जाएगा। साथ में आपको रीजनिंग और जो जीके है उससे रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ग्रुप वाई के लिए आपको इसमें 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ग्रुप एक्स के लिए आपको इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ग्रुप में आपको जीके और जो रीजनिंग है उसका पोर्शन भी आपको अलग से दिया जाएगा। अब देखिए अगर अपन बात करें आगे ग्रुप और एक्स है और वाई है, इन दोनों ट्रेड के लिए कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 85 मिनट का समय दिया जाएगा, 85 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और आपको इंग्लिश से फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल है वो 12th जो CBSE जो पैटर्न है उसके स्टैंडर्ड का रहेगा, और आपको जो रीजनिंग है और जो जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। देखिए अगर आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों का टेस्ट एक साथ देना चाहते हैं तो आपको 85 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो आपका सिलेबस होगा इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो 12th जो CBSE बोर्ड है के स्टैंडर्ड का रहेगा, और आपको रीजनिंग और जो जीके है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे आप जो एयरमैन का जो पोस्ट है उसके लिए आप किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसकी अगर अपन बात करें तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो 3 जुलाई 2018 को इसका लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद में आप 3 जुलाई 2018 से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, और जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन करने की वो 24 जुलाई 2018 रखी गई है। 24 जुलाई 2018 तक 3 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हो। बाद में देखिए ये लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। और देखिए और भी अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कीजिए जो भी 12th की जिन्होंने एग्जाम दी है और एयरफोर्स का जो फॉर्म है उसका आने का वेट कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातों को लिखते हैं, और जो हमारे चैनल के नए मेहमान है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।